टुडे वी हैव टू स्टार्ट AOI, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, दैट इज चैप्टर 8. इस पर जो आपके पास है उसमें एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स सिलेबस में नहीं है, बट दिस चैप्टर इज वेरी इजी चैप्टर एंड स्कोरिंग चैप्टर. दो एक्सरसाइजेस हैं जिसमें से एक, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नहीं आएंगे इस बार, और इजी चैप्टर है. तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया बाउंडेड बाय क्या करना है, लाइन एंड कर्व या एरिया बाउंडेड बाय कर्व. एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स आपके पास भी आता है, लेकिन ये इस बार सिलेबस में नहीं है, तो हम ये करेंगे, या हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे. तो उसके लिए अब हमें क्या करना होता है, इलेवेंथ क्लास में हमने किया था, जिसमें हमने कर्व्स की थी कि कोनिक सेक्शन में ट्राइंगल का एरिया निकालना सीखा था, या हमने इक्वेशन की थी पैराबोला की, हाइपरबोला की, इलिप्स की, सर्कल की. तो अगर हमें एरिया निकालना हो, अब तक हमने एरिया बाय यूजिंग फॉर्मूलाज निकाला था, अब हम निकालेंगे एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स और टू लाइंस बाय यूजिंग इंटीग्रेशन. तो उसके लिए जो हमें जनरल इक्वेशंस लिखनी होती हैं, वो इक्वेशंस हम सबसे पहले रिकॉल करेंगे. सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्योंकि डायरेक्टली कई बार हमारे पास कर्व गिवन नहीं होती, या होती है कर्व की इक्वेशन गिवन, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कर्व कौन सी है. तो उसके लिए हम सबसे पहले आते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल पर. तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो आपके पास थी वो है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर वी हैव टू से दैट एच एंड के बी द सेंटर ऑफ स्क्वायर, सेंटर ऑफ सर्कल, एंड आर बी कॉल्ड द रेडियस. ये तो होती है हमारी जनरल इक्वेशन जो हमने कोनिक सेक्शन में की थी, कि अगर हमें कभी भी ऐसी इक्वेशन गिवन हो तो हम वहाँ से एच और के निकालेंगे, और वो आपके पास सेंटर होगा और आर आपके पास क्या होगा, रेडियस. सेकेंड आपके पास आती है इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसमें सेंटर आपके पास ओरिजिन हो, मींस एच और के आपके पास जीरो जीरो है. तो अगर एच और के आपके पास जीरो जीरो है तो इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, कि सेंटर आपके पास क्या हो जाएगा, ओरिजिन, और रेडियस तो रहेगा वही आर. तो अगर कभी भी जैसे आपके पास, मान लो मैं यहाँ एग्जांपल दूँ कि आपके पास आ गया x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, तो इसके अकॉर्डिंग आपका सेंटर क्या हो जाएगा, x माइनस एच, मीन्स एच हो गया वन, k नहीं है तो ज़ीरो, और रेडियस क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर, फोर नहीं होगा तो क्या होगा, रेडियस टू. तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर टर्म्स को क्या करते हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो हमने कंपेयर किया जनरल इक्वेशन से और वहाँ से हमने h और k निकाला. अगर इसकी बात करें तो इसका एग्जांपल आपके पास आ सकता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन, तो जहाँ सेंटर हो गया आपके पास ओरिजिन और रेडियस क्या हो जाएगा, थ्री. ये तो है इक्वेशन ऑफ सर्कल. दूसरा जो आपने किया था वो किया था आपने इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन जो आपने की थी उसमें हमने दो इक्वेशंस की थी, एक की थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज वन, और दूसरी इक्वेशन हमने की थी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज वन. इसमें क्या था, जिसमें मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग बनती है, ऐसे कर्व बनती है, और इसमें हमारे पास मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग बनती है. हम इलिप्स में कहते थे जो नीचे वाला नंबर बड़ा हो मेजर एक्सिस उसके अकॉर्डिंग बनेगी. कैसे, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि आपके पास है एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज 1, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर इक्वल टू 1. अब x के नीचे क्या है, 4, तो इसका मतलब ये पॉइंट हो जाएगा 40
और ये पॉइंट आपके पास हो जाएगा 0-2, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये जनरल टर्म समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें यही पता होंगी हम फिगर सही बनाएंगे तभी तो हमारा काम बनेगा। और अगर हम ये लिखें तो इसके अकॉर्डिंग देखो इसे क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर। अब किसके नीचे वाला नंबर बड़ा है, वाई के नीचे वाला, क्या है 3, इसका मतलब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग बनी, ये डिस्टेंस बड़ा है और ये छोटा है, तो ये वाई एक्सिस पर हो जाएगा 0-3 और ये एक्स एक्सिस पर हो जाएगा 2-0। तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो आपके पास ये है सेकंड फॉर्म, जिसमें अगर वो इक्वेशन ऑफ एलिप्स दे दे या इस तरह की फॉर्म दे दे तो आप समझ जाना कि ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, जहां बीच में प्लस का साइन होता है। इसमें हाइपरबोला की इक्वेशन नहीं आएगी, क्योंकि हाइपरबोला की इक्वेशन के लिए हम कर्व नहीं बना सकते, ठीक है, इसलिए उसकी इक्वेशन हमारे पास नहीं आएगी। एलिप्स आएगी, सर्कल आएगी और एक पैराबोला। अब उसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर एलिप्स की इक्वेशन आती है और यहाँ नीचे के दोनों टर्म्स ए और बी अगर इक्वल हैं तो वो सर्कल बन जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर जैसे आपके पास यहाँ पर आ जाए, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज 1, तो ये क्या है, ये 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर, इसका मतलब आपके पास ये क्या हो गया, सर्कल, क्योंकि ए और बी दोनों सेम हैं, तो ये भी 2 डिस्टेंस और ये भी 2, तो ये इलिप्स नहीं रहेगी, क्या बन जाएगा, सर्कल। तो ध्यान रखना अगर दोनों डिफरेंट हैं तो इलिप्स है, दोनों सेम हैं तो वो सर्कल है। तीसरा आपके पास जो आती है वो आती है पैराबोला। पैराबोला की आपने 4 कर्व्स की थी, अगर इक्वेशन याद हो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। 4 कर्व्स आपने की थी। सबसे पहली आपके पास कर्व थी ये, जिसमें ये एक्स और ये वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, याद रखने के लिए देखना कि लीनियर क्या है, एक्स, और क्या है, पॉजिटिव। तो जो कर्व बनती है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग बनती है, ऐसे ये दोनों का एरिया सेम आता है, ये तो फिगर मैंने रफ बनाया है। अब देखो क्या है, एक्स नेगेटिव, लीनियर टर्म एक्स है और वो क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब जो कर्व बनेगी वो आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बनेगी। अगर हम यहाँ देखें तो वाई है, क्या है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब जो कर्व बनेगी पैराबोला की वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग बनेगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और वाई नेगेटिव है तो जो कर्व बनेगी वो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग बनेगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम ध्यान रखते हैं कि कर्व हमारी कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग आ रही है, क्योंकि हमें तो सिर्फ इक्वेशन दी होगी, हमें दिया होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16x, तो हमें देखना है कि एक्स नेगेटिव है, तो इसका मतलब कर्व नेगेटिव, कर्व कैसे बनेगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ओरिजिन से पास होगी ऐसे, राइट तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि हमारे पास पैराबोला की कौन सी कर्व गिवन है, क्लियर। उसके बाद हमारे पास जो था इसमें वो था कि अगर हमें इफ टू पॉइंट्स, मान लो x1 y1 और x2 y2 कोई भी दो पॉइंट्स गिवन है, इफ पॉइंट्स आर गिवन, तो इस केस में अब हम क्या करते हैं, और हमें अगर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है तो हमने स्ट्रेट लाइंस में इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली थी बाय यूजिंग टू पॉइंट्स y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ऑफ x माइनस x1। तो इस तरह से हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली थी कि अगर हमारे पास कोई भी लाइन ड्रॉ करनी हो और दो पॉइंट्स गिवन हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम निकाल सकते हैं और फिर उससे हम इक्वेशन या वाई की वैल्यू हमें जो भी चाहिए दैट वी कैन फाइंड इट ईजिली। इसके अलावा अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिर्फ इस चैप्टर में दो फॉर्मूलाज लगते हैं, पूरे चैप्टर में सिर्फ दो फॉर्मूलाज, कोई फॉर्म नहीं है, कुछ नहीं है, और वो फॉर्म्स आपके पास क्या हैं, सिर्फ एक ये x dx, मींस पहले सिंपल फॉर्मूला x रेज टू पावर n का,
क्या था, एक्स रेस टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। प्लस सी मैं इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल आएगा, ए टू बी आएगा या जो भी लिमिट होगी हम वो लिमिट उसमें पुट करेंगे। दूसरा आपके पास जो इसमें आएगा फॉर्मूला, वो आएगा आपके पास सिंपल अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ये जो तीन फॉर्मूलाज हमने 7.7 में किए थे उसमें से सिर्फ एक फॉर्मूला आपका यूज होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, दैट इज एक्स बाई टू ऑफ सेम फंक्शन प्लस, क्योंकि जो कॉन्स्टेंट के साथ साइन होता है ना वो साइन यहाँ बीच में आता है, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, और जो भी लिमिट होगी हम वो पुट करेंगे क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो प्लस सी नहीं आता। अगर इंटीग्रेशन में कोई भी फॉर्म नहीं की तो भी आप ये चैप्टर बहुत ईजिली कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ दो फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन केस में लगेंगे, एक एक्स रेस टू पावर एन का और एक अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, राइट? तो अब देखो इसके क्वेश्चंस। ये तो हमने जनरल यूज किया कि अगर हमारे पास ऐसी टर्म्स आए तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक्सरसाइज 8.1, फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास जैसे है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले पूरी स्टेटमेंट पढ़ के जो जो कर्व्स दिए हैं ना वो ऊपर लिख लो इन्फॉर्मेशन, ताकि हमें बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड लाइन्स एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू फोर एंड एक्स एक्सिस। कुछ बुक्स में लिखा होगा एक्स एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैं अभी एक्स एक्सिस करा रही हूँ फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बताऊंगी। अभी ये लिखा है सिर्फ कर्व दी है, लाइन्स दी हैं और एक्स एक्सिस का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस, जो इनमें बाउंड हो रहा है। अब सबसे पहले हम इसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये कर्व कौन सी है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की, कौन सी कर्व है ये, वन मार्क का फिगर होता है आपके पास ये, तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक वाई स्क्वायर है और एक्स लीनियर है, तो इसका मतलब ये पैराबोला की कर्व है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग बन रही है, तो इसका मतलब कर्व आपके पास ऐसे बनेगी दिस। ये तो बनी इसकी कर्व। अब क्या है लाइंस, एक्स इक्वल टू वन, ये है मान लो एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू फोर, राइट? एरिया बाउंडेड बाय, अब देखना एरिया हमें कौन सा निकालना है, बाउंडेड बाय कर्व लाइन एक्स एक्सिस लाइन, तो इसका मतलब हमें ये सारा एरिया निकालना है एंड एक्स एक्सिस है क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ जो बन रहा है, तो एक्स एक्सिस के साथ एरिया ऊपर का भी बन रहा है और नीचे का भी बन रहा है। पहली चीज़ कि हमें एरिया कौन सा निकालना है, ये एरिया निकालना है, राइट? अब उसके बाद हमारे पास आता है एक्स एक्सिस है तो ऊपर का एरिया भी है नीचे का भी है, दो क्वाड्रेंट्स में आ रहा है एरिया, तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे ट्वाइस, क्योंकि एक बार में जो एरिया निकलता है वो एक क्वाड्रेंट का निकलता है। अब सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं रिक्वायर्ड एरिया। अब रिक्वायर्ड एरिया की बात करें तो एरिया कितने क्वाड्रेंट्स में आ रहा है, दो में, जितना ऊपर है उतना नीचे है, तो हम इसे कर देंगे ट्वाइस इंटीग्रल। अब देखो शेडिड एरिया कहाँ से शुरू है, वन से, ये वन से ये, और कहाँ पर ख़त्म है, फोर पर, इसका मतलब शेडिड एरिया वन से शुरू होगा और फोर पे ख़त्म होगा, तो वन से शुरू होगा और फोर पे ख़त्म होगा, ये आ गया। लिमिट्स किसकी हैं, एक्स की, इसका मतलब यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहली चीज़। अब हमें इंटीग्रेट करना है किसे, कर्व में देखो तो कर्व में ये एक्स है ये भी एक्स है, सिर्फ यहाँ पर एक्स और वाई है, तो इसका मतलब यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे x की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि हमें तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो फंक्शन x में होगा तभी तो करोगे, तो हम इसे यहाँ लिखते हैं y dx, मींस हम यहाँ से y की वैल्यू पुट कर देंगे जो कर्व से निकलेगी। क्या वैल्यू निकल रही है, रूट एक्स दिस। अब हमारे पास ये फंक्शन आ गया और अब हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस
एक्स रेज टू पावर हाफ, तो एक्स रेज टू पावर हाफ प्लस वन, 3/2 अपॉन 3/2, तो 2/3, लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 4, तो ये 4/3 तो बाहर ले लिया। एक्स के फंक्शन में पहले अपर लिमिट डाल दो और फिर लोअर लिमिट डाल दो, दिस। अब इसे सॉल्व करने के लिए 4/3 बाहर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1, तो 4/3 ऑफ, देखो ये 2 से ये 2 जाएगा, 2 रेज टू पावर 3 इज 8 माइनस 1, तो क्या बचा 7, तो क्या आ जाएगा 8/28/3, कैंसिल आउट नहीं हो रहा, आंसर यही रहने दो। एरिया निकाला है रिक्वायर्ड एरिया, तो दैट इज इन स्क्वायर यूनिट्स। अगर आप यहाँ पर लिमिट ये नहीं लगाते यूनिट, तो आधा नंबर कट जाता है आपका, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि हमें नहीं पता मीटर है सेंटीमीटर है क्या है, तो हमने इसलिए क्या लगाया स्क्वायर यूनिट्स की एरिया है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हमें क्या देखना है कि सबसे पहले एरिया कौन कौन सी कर्व में बाउंड हो रहा है, फिर हमें क्या देखना है कि आपके पास शेडेड एरिया कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ पर एंड हो रहा है उसका, वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट मिलेगी। जिस कर्व को यूज़ कर रहा है उस कर्व से वाई की वैल्यू निकालो और यहाँ पुट कर दो, फिर ये देखो कि कितने क्वाड्रेंट्स में आ रहा है एरिया, और इक्वल इक्वल एरिया है तो ट्वाइस कर देंगे और उसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो सिर्फ एक फॉर्मूला लगा एक्स रेज टू पावर एन का। अब सेकंड केस आता है कि अगर यहाँ पर लिखा हो, मैं सेकंड केस लिख रही हूँ कि अगर यहाँ पर लिखा हो एक्स एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा है तो हमें सिर्फ ये एरिया निकालना है, ओनली दैट एरिया यू हैव टू फाइंड। तो हमें यहाँ पर ट्वाइस नहीं करना, तो रिक्वायर्ड एरिया आपके पास क्या हो जाएगा 1 to 4 ऑफ वाई डी एक्स, इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ 1 to 4 ऑफ रूट एक्स डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेट यहाँ किया हुआ है आपने, सिर्फ ये ट्वाइस नहीं आएगा, तो मींस यहाँ पर 2/3 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 14/3 स्क्वायर यूनिट्स, दैट इज द आंसर, राइट। तो यहाँ से ध्यान रखना कि उसने आपको एक्स एक्सिस लिखा है तो दोनों क्वाड्रेंट्स आएंगे, और अगर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा है तो सिर्फ ये आएगा, दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ एक क्वाड्रेंट में है, राइट। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है आपके पास, पैराबोला एक्स टू एक्स फोर एंड एक्स एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें ट्वाइस नहीं आएगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ है आपके पास क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। थर्ड क्वेश्चन आपके पास देखो बिल्कुल सेम है इसी फॉर्म का, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, सिर्फ अब आपको कर्व बता देती हूँ क्या है, वाई इक्वल टू 2 y 4 एंड वाई एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ लिख लेना साथ में, हाँ वाई एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब अब आपके पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा क्योंकि वाई लीनियर है पॉजिटिव है, तो कर्व आपके पास ऐसी बनेगी, वाई इक्वल टू 2 y = 4 एंड वाई एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सिर्फ ये एरिया आपके पास आएगा, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस दिस, तो हमें क्या निकालना है सिर्फ ये एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया आपके पास क्या आ जाएगा ट्वाइस नहीं आएगा। अब वाई एक्सिस की लिमिट है, देखो लिमिट 2 से शुरू हो रही है 4 पर ख़त्म हो रही है, 2 से शुरू हो रही है 4 पर ख़त्म हो रही है, एंड यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसका मतलब आपके पास वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू निकालनी है वाई की फॉर्म में, क्योंकि फंक्शन वाई में आएगा तभी तो इंटीग्रेट होगा, तो यहाँ से x निकाल लेना, क्या आ जाएगा 2√y, ये फंक्शन y में है और y के लिमिट y में है, अगर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो फंक्शन y की फॉर्म में आएगा, और अगर dx है x की लिमिट है तो फंक्शन x की फॉर्म में आएगा, राइट। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ और फिफ्थ सेम है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, अब इलिप्स क्या है एक्स स्क्वायर बाय 16, उसे 4 स्क्वायर लिख सकते हैं,
वाई स्क्वायर बाय 9, 3 स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1. अब देखो किसके नीचे वाला नंबर बड़ा है, x के नीचे वाला, x इक्वल टू 4 और ये क्या है 4 और यहाँ है 3. तो इसका मतलब जो आपके पास ये कर्व बनेगी मेजर एक्सिस ऐसे बनेगी, x एक्सिस कहलाऊँ, जिसमें ये पॉइंट आपके पास हो जाएगा 4 और y 0 और यहाँ हो जाएगा y एक्सिस पर x 0 और y 3. दिस वन मार्क का फिगर होता है तो इसलिए ध्यान से बनाना. ज़रूरी नहीं पूरा एग्जैक्ट कि आप कुछ कंपास या कुछ यूज़ करो, बट इन प्रॉपर फॉर्म कि आपको दिखना चाहिए कि आपने क्या क्या लिया है. अब हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स. तब तो एरिया हमारे पास सारा आ रहा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, क्योंकि पूरा इलिप्स का एरिया बाउंड हो रहा है. हम क्या करेंगे उस केस में कि हम सिर्फ जब चारों का एरिया बराबर है तो हम सिर्फ एक एरिया निकालेंगे, ये, क्योंकि ये ज़ीरो है ओरिजिन, ये फोर है हमें पता है, दैट इज़ फोर. हम सिर्फ एक रीजन का एरिया निकालेंगे और उसे फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो रिक्वायर्ड एरिया जो आपके पास आएगा, तो वो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा आपके पास, फोर टाइम्स. क्यों? क्योंकि चार एरियाज इक्वल हैं. अब इंटीग्रल ऑफ लिमिट, लिमिट देखें तो शेडेड एरिया हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं ज़ीरो से, कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, फोर पर. तो ये आ जाएगा ज़ीरो से फोर. इस केस में हम दोनों के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं. अगर मैं ज़ीरो से थ्री लूँ तो वो वाई की लिमिट्स हैं, तो मैं वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगी. लेकिन अगर मैं ज़ीरो टू फोर लूँ तो ये एक्स की लिमिट है, तो आई एम इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. किसे? वाई को. वाई के का मतलब कि हम यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे एक्स की फॉर्म में. तो देखो अब वैल्यू कैसे निकालनी है, एलसीएम मत लेना. वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16. इसे यहाँ पर लिख देना ऐसे, पूरा एलसीएम मत लेना. वाई स्क्वायर अब आपके पास क्या आ गया, 9 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16. तो यहाँ से जो y निकालोगे 3 बाय 4 और ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर. ऐसे निकालना, नहीं तो बाद में फिर हमें उसे सॉल्व करना पड़ता है. तो 4, 0 टू 4 और y की वैल्यू क्या आ गई, 3 बाय 4 बाहर और अंडर रूट ऑफ 16. 16 को लिख सकते हो 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. तो देखो 4 से 4 कट गया 3, लिमिट आ गई 0 टू 4 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. तो फॉर्मूला लग रहा है आपके पास, 3 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, x बाय 2 ऑफ, बोलो, x बाय 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब ए स्क्वायर ए कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर 16, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a. a मीन्स 4, ध्यान रखना 16 मत कर देना उसे. 0 टू 4, 3 बाहर. अब देखो पूरे फंक्शन में पहले x को 4 डाल दो. अब मैं यहाँ पर 4 डालूँगी तो 2, यहाँ 4 डालूँगी तो 16, तो 16 माइनस 16 0, तो ये तो 0 हो गया. प्लस 16 बाय 2 8 साइन इनवर्स ऑफ 4 बाय 4 दैट इज 1, ये मैंने डाल दी अपर लिमिट. माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में क्या डालना है, 0. अब मैं यहाँ 0 डालूंगी तो ये 0 हो जाएगा, ये प्लस एज इट इज, 16 बाय 2 इज 8, साइन इनवर्स ऑफ 0 बाय 4 इज 0. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज 3, 0 हो गया, 8, साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, पाई बाय 2, माइनस ये भी 0, 0, 8 और साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0. तो ये आपके पास क्या आ गया, 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स. सो दिस इज योर एरिया ऑफ एलिप्स. ठीक है, तो इस तरह से हमें एरिया फाइंड आउट करना है एलिप्स का. फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम, सिर्फ मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग बनेगी. क्वेश्चन नंबर 6, अब इंटीग्रेशन आप खुद करोगे, मैं सिर्फ हिंट दूंगी क्वेश्चंस का कि आपको क्या करना है, फिगर कैसे बनाना है.
एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, साथ साथ इंफॉर्मेशन लिखते जाओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय एक्स एक्सिस, ये लाइन एक्स इक्वल टू रूट थ्री वाई एंड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज फोर. अब आपके पास ये है क्वेश्चन, राइट? तो इसमें देखो सबसे पहले क्या है, सर्कल. अब इसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन, और रेडियस क्या होगा, टू. ये है लाइन. अब लाइन ड्रॉ करने के लिए तो हमें टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि लाइन ड्रॉ करनी है. एक्स वाई, एक्स को जीरो डाला तो वाई जीरो, वाई को वन डाला तो एक्स रूट थ्री. हमें सिर्फ दो पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है, हमें और कुछ मतलब नहीं. फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय एक्स एक्सिस. तो सबसे पहले आप फिगर देखें, सबसे पहले तो सर्कल बना दो. फिगर में सब कुछ प्रॉपर वे में लिखना, क्योंकि वन मार्क है फिगर का. सर्कल, अब सर्कल का सेंटर ओरिजिन था तो इसलिए हमने ये लिखा. रेडियस कितना है, टू, तो ये आ जाएगा टू. दैट इज़ नॉट एग्जैक्ट फिगर, मैं पहले बता रही हूँ. थोड़ा सा प्रॉपर वे में बनाना कि समझ आना चाहिए, नॉट कंपल्सरी कंपस यूज़ करो. ये तो होगी सर्कल. अब है ये एक्स जीरो वाई जीरो, एक्स वन तो वाई रूट थ्री, 1.7 समथिंग, तो यहाँ पर कहीं आएगा. तो इसका मतलब लाइन ये आ गई. तो ये लाइन आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू रूट थ्री वाई, राइट? अब उसने क्या बोला, देखो x, ये टेबल बनाई थी हमने जिसमें x जीरो तो y भी जीरो, तो ये ओरिजिन पॉइंट आ गया. अगर x वन यहाँ होगा, x वन सॉरी x वन, x कितना है रूट थ्री, तो 1.7 समथिंग, और y वन तो यहाँ कहीं आएगा, क्योंकि ये भी टू है पॉइंट, सेंटर है ना, तो सर्कल है, तो ये भी टू हो गया. तो यहाँ बीच में कहीं आएगा वन, और यहाँ आएगा 1.7, तो नियर बाय ये पॉइंट आएगा. तो दो पॉइंट्स मिलते ही हमने लाइन ड्रॉ कर दी. तो लाइन ओरिजिन से जा रही है, क्योंकि एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट ये है. तो हमने लाइन ड्रॉ की तो ये लाइन आ गई. अब उसने क्या बोला, फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय एक्स एक्सिस. इसका मतलब ये रही एक्स एक्सिस, ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस, लाइन एंड सर्कल. तो अब यहाँ पर मैं इसलिए क्या यूज़ करूँगी, ये एरिया निकालना है. देखो एक्स एक्सिस, लाइन और ये सर्कल, तीनों चीज़ें बाउंड हो रही हैं यहाँ पर, जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. ये एरिया हमें निकालना है, ठीक है, क्लियर इतना? अब ये सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर भी एक्स वाई है और यहाँ भी एक्स वाई है. इसका मतलब जब दो चीज़ों में एक्स वाई, लाइन और कर्व में एक्स और वाई आ रहा है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा. ये देखो, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जहाँ लाइन और सर्कल कट कर रहा है ये. तो अब हम क्या करेंगे, जब आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा, तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने. अब अगर आप देखो तो ये शेडेड रीजन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. एक पार्ट आपके पास ये है और एक पार्ट आपके पास ये है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. अब अगर हम ये फर्स्ट पार्ट देखें तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है, इसमें सर्कल कहीं नहीं आ रहा, क्या बन रही है, सिर्फ ट्रायंगल. और ये दूसरा पार्ट देखें तो ये आपके पास एक डिफरेंट कर्व लाइन और ये लाइन बन रही है, कोई शेप नहीं है, मीन्स कोई ट्रायंगल ट्रुंगल नहीं है, तो सिंपल है. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट. इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करें, इन दोनों को यूज़ करो, फर्स्ट और सेकेंड. यहाँ से y की वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो. सॉल्व करने के लिए क्या लिखोगे, पुट वन, पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम फर्स्ट इन सेकेंड. तो यहाँ से y कितना आ रहा है, x बाय रूट थ्री, पुट इन सेकेंड. तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाय थ्री इक्वल टू फोर. तो ये कितना आ गया आपके पास, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर बाय थ्री इज फोर, तो एक्स स्क्वायर इज थ्री. तो x कितना आ गया, प्लस माइनस रूट थ्री, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो हम क्या लेंगे, ये पॉइंट आ गया रूट थ्री, राइट?
तो अब शेडेड एरिया हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो रिक्वायर्ड एरिया आपके पास अब क्या आ जाएगा, एक आएगा 0 से √3 तक का और एक आएगा आपके पास √3 से √2 तक का। दोनों लिमिट्स एक्स की हैं तो यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब 0 से √3 में ट्राइंगल है जिसमें ये लाइन यूज हो रही है, देखो ये लाइन यूज हो रही है लाइन, तो यहां से हम वाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी x/√3, और √3 से √2 में हमारा ये सर्कल यूज हो रहा है तो सर्कल की कर्व से वाई निकाल लेना तो √ क्या आ जाएगा 4 − x². तो इसे लिख सकते हैं क्या 2 का square − x², यहाँ डायरेक्ट और यहाँ √a² − x² का फॉर्मूला लगेगा एंड देन यू हैव टू गेट द आंसर। तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। सेवेंथ क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। अब x² + y² = a² है एंड कट ऑफ बाय द लाइन x = a/√2 है। फिर सेंटर तो ओरिजिन है और रेडियस कितना है a। कट ऑफ बाय द लाइन x = a/√2। अब a/√2 यहाँ है तो a/√2 नियर बाय यहाँ होगा, ये हाफ है तो यहाँ होगा कहीं हाफ से कम, ये तो ये आ गया x = a/√2 दिस। अब उसने क्या बोला, एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट, तो ये है स्मॉलर पार्ट जो एरिया आपको निकालना है दिस। कितने क्वाड्रेंट्स हैं, दो, तो रिक्वायर्ड एरिया आपके पास क्या आ जाएगा चॉइस, क्योंकि उसने कोई कंडीशन नहीं दी फर्स्ट क्वाड्रेंट है या क्या है। शेडेड एरिया कहाँ से शुरू है, a/√2 से, कहाँ पर ख़त्म है a पर, किसके लिमिट्स हैं x की, तो इसका मतलब यहाँ से y की वैल्यू x की फॉर्म में निकाल लो। देखो यहाँ तो y था ही नहीं तो ये तो सिर्फ लिमिट का काम कर रहा है, सिर्फ यहाँ से y निकलना है तो क्या आ जाएगा √a² − x² डायरेक्ट फॉर्मूला, अपर माइनस लोअर लिमिट डालोगे एंड आंसर, आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ a ओनली, राइट। कट ऑफ का मतलब क्या बोला इसमें, कट ऑफ बाय द लाइन का मतलब कि ये लाइन इस एरिया को, इस सर्कल को कट कर रही है, तो x = a/√2 की लाइन ड्रॉ की तो देखो ये सर्कल में ये कट हो रहा है, उसने कहा स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है तो दिस इज द स्मॉलर पार्ट, क्योंकि ये तो बिगर पार्ट है तो स्मॉलर पार्ट का ये एरिया निकालना था a/√2 से a तक का। अगर मैंने यहाँ पे a/√5 या फिर √3 हो रहा तो उसके लिए हम फिर रूट की वैल्यू निकालते तो हमें इतना तो पता लग ही जाता ना कि जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे नंबर छोटा होगा, वैसे वैसे नियर बाय a के पास होगा, हमेशा ये देखो ना कि ये नंबर जितना बढ़ेगा उतना a के पास होगा, जितना छोटा होगा डिनोमिनेटर उतना a से दूर होगा, ओरिजिन के पास होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम आइडिया लगाते हैं कि अगर हाफ ये है तो हाफ से इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, तो इधर जा रहा है तो ये स्मॉलर पार्ट है, उधर जा रहा है तो ओरिजिन से ये स्मॉलर पार्ट है, नहीं तो द कंप्लीट इज बिगर पार्ट, ठीक है। तो उस एर्थ क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम है इसी फॉर्म का, लेकिन उसने क्या कहा, एरिया बिटवीन x = y² x = 4 इज डिवाइडेड इंटू 2 equal parts बाय द लाइन x = a। अब देखो y² = x, तो x पॉजिटिव है, मैंने कहा था लीनियर वाला देखना, लीनियर के अकॉर्डिंग बनती है, ये आ गया x एक्सिस, x = 4, ये लाइन आ गई x = 4, इज डिवाइडेड इंटू 2 equal parts, ये एरिया 2 equal parts में डिवाइड हो रहा है बाय द लाइन x = a, ये। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये हम इसे कि 0 to 4 निकाल कर और ये आधा होगा और ये आधा होगा, मतलब अगर हम ये कहें कि हम इसी का आधा कर दें कि ये 2 हो जाएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि कर्व है, रेक्टेंगल नहीं है कि आधा करेंगे तो 2 2 में डिवाइड हो जाएगा, तो ये इक्वल है कि ये और ये एरिया इक्वल है, दैट इज़ गिवन, हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये पूरा एरिया जो आपके पास है, अब मैं अलग अलग यूज़ कर रही हूँ इसलिए कलर्स ताकि समझ आ जाए, देखो हम निकालेंगे ये पूरा एरिया, ट्वाइस तो है ही है तो ट्वाइस से ट्वाइस कट जाएगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिक्वायर्ड एरिया हम क्या करेंगे, ये 0 से 4 तक का एरिया,
ये पूरा एरिया, राइट? मींस क्या है, जीरो से फोर में कर्व तो एक ही है, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट एक्स। शुड बी इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए, कर सकते हैं ये एरिया, yes, देखो क्योंकि इक्वल है तो इट कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए ऑफ रूट एक्स डी एक्स, क्योंकि हम डायरेक्टली इसे टू नहीं कह सकते। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही सेड कि जीरो से फोर तक का एरिया डबल होगा जीरो से ए का, क्यों, क्योंकि इसने कहा कि ये दोनों इक्वल हैं, एरिया ऑफ वन एंड एरिया ऑफ टू शुड बी इक्वल, इट इज गिवन। तो इसका मतलब जीरो से फोर तक के एरिया को हम जीरो से ए का ट्वाइस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कर्व एक है ना, तो हमें कर्व तो एक ही यूज करनी है पैराबोला की, तो हमने एक पूरा एरिया लिया और उसे ट्वाइस करके जीरो टू ए कर दिया। अब हम दोनों को इंटीग्रेट करके इक्वेट करेंगे लिमिट्स डाल के, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ ए, राइट? तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास उसमें भी आएगा ये क्वेश्चन, मिसलेनियस में भी है। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला लाइन। अब लाइन क्या है, मॉड। अब मॉड का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस, एक बार प्लस एक्स एक बार माइनस एक्स। प्लस कब, जब वैल्यू जीरो से बड़ी हो, माइनस कब, जब वैल्यू जीरो से छोटी हो। तो एक बार आ गया वाई इक्वल टू एक्स और एक बार आ गया वाई इक्वल टू माइनस एक्स, तो दोनों का लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी क्योंकि लीनियर है। एक्स वाई, एक्स जीरो वाई जीरो, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, जो भी डालते जाओगे सेम आएगा। यहाँ हम डालेंगे एक्स वाई, एक्स जीरो वाई जीरो, एक्स वन वाई माइनस वन, एक्स टू वाई माइनस टू, ये आएगा। ये है पैराबोला। अब देखो पैराबोला कैसे बनेगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, लीनियर क्या है वाई, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग दिस ओरिजिन से ज्वाइंट होगी। अब क्या है y इक्वल टू x, x जीरो वाई जीरो, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, तो लाइन बनेगी ये दिस, x जीरो वाई जीरो, एक्स वन, x क्या है वन, y क्या है माइनस वन, क्या किया, अच्छा ठीक है, यहाँ एक्स टू वाई माइनस टू, तो लाइन बनेगी ऐसे, ये जा रही है, ओहो ये ऐसे, ये लाइन बनेगी। अब हमें एरिया निकालना है। अब एरिया फिर कितनों में आ गया, दो क्वाड्रेंट्स में, ये भी आ गया और ये भी आ गया, ये एरिया आ गया। अब जितना एरिया यहाँ उतना एरिया यहाँ, ये एरिया बराबर है, ये हो गया ओरिजिन, राइट? अब देखो फिर से दो में एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, तो ये देखो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया दोनों जगह, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ये, राइट? अब हम क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो इसे और इसे सॉल्व यूज करेंगे इसे, तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स, तो इसमें पुट करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जीरो, एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस वन, तो आपके पास एक आ जाएगा x जीरो और एक आ जाएगा x वन, तो x जीरो था, ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू वन, राइट? ये आ गया एरिया आपके पास। अब देखो ये तो हम डबल कर देंगे क्योंकि दूसरा क्वाड्रेंट है, तो इसका निकालने की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज वो माइनस वन आएगा। अब हमारे पास ये थर्ड फॉर्म आ गई, रिक्वायर्ड एरिया। अब ध्यान से देखना हमें क्या करना है, ये एक पूरा ट्राइंगल का एरिया है, अगर इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में से ये माइनस कर दें ये एरिया, ठीक है, मैं अलग कलर यूज़ कर लेती हूँ ताकि समझ आ जाए, ये पूरा ट्रायंगल का एरिया, ये दिस, इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में से अगर मैं ये नीचे का एरिया माइनस कर दूँ, कौन सा एरिया माइनस कर दूँ मैं, ये एरिया कौन सा लें, रेड ले लेते हैं, येलो, ये एरिया माइनस कर दूं दिस, तो
तो एरिया कौन सा आ जाएगा, ये दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये ट्राइंगल का एरिया पूरा जिसमें लाइन यूज हो रही है, ध्यान से समझना, थर्ड फॉर्म है, ये एरिया आपके पास आ रहा है जिसमें आपके पास क्या यूज हो रहा है, लाइन, राइट. तो इस ट्राइंगल के एरिया में से लाइन, दैट मीन्स लिमिट आ गई 0 to 1, दिस. अब एरिया यूज हो रहा है लाइन का, ट्राइंगल बन रही है, तो लाइन क्या थी, y इक्वल टू x की, तो y की वैल्यू निकाल ली यहाँ से x. इस पूरे एरिया में से अगर मैं ये नीचे से येलो का एरिया माइनस कर दूँ, ये कौन सा है, पैराबोला का, तो माइनस 0 to 1 और पैराबोला माइनस कर दूँ, तो एरिया कौन सा आ जाएगा, ये ग्रीन वाला, जो रिक्वायर्ड एरिया निकालना है. तो इसे हम कहते हैं अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. अपर कर्व क्या है, ट्राइंगल, ये लाइन, इस लाइन में से मैंने क्या माइनस किया, ये पैराबोला, तो क्या आ गया, बीच का एरिया, और ये डबल था तो हम इसे क्या कर देंगे, ट्वाइस दिस. तो x का इंटीग्रेशन, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और फिर हम उसे ट्वाइस करके पूरा सॉल्व करेंगे, देन वी गेट द आंसर. तो देखो ध्यान से, हमारे पास जो कर्व बनी थी वो ये, लाइन बनी थी आपके पास ये. अगर मैं एक की बात करूं तो ये एरिया हमें निकालना था, तो हमने क्या किया, अपर, ऊपर क्या है, लाइन, और नीचे क्या है, पैराबोला. ये क्या है, पैराबोला. तो इसका मतलब लाइन में से पैराबोला माइनस करोगे अपर माइनस लोअर, सो वी गेट द रिक्वायर्ड एरिया, राइट. तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है. इज दैट क्लियर? हाँ, देखो आपके पास क्या था, y इक्वल टू x स्क्वायर, पैराबोला की कर्व थी, ये थी लाइन, ये लाइन थी आपके पास, उसकी हमने टेबल ड्रॉ की. फिगर क्लियर है, फिगर क्लियर है आदित्य? थोड़ा नीचे की जो लाइन बनी है ना. अच्छा रुको, मैं फिगर बनाती हूँ दोबारा से, बड़ा सा, ठीक है, इसी से बनाती हूँ. देखो सिर्फ फिगर समझा रही हूँ अभी. ये पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और लाइन है आपके पास ये. सिर्फ एक कर्व ले रही हूँ अभी मैं, सिर्फ एक एक्सिस की, ठीक है. और यहां से हमने ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला था जो x इक्वल टू वन आया था, क्लियर? अब हमें देखो एरिया क्या निकालना है, ये एरिया निकालना है मुझे, ये ग्रीन वाला जो एरिया बाउंड हो रहा है, क्लियर इतना? अब लाइन का एरिया अगर आप देखो तो ये है लाइन, ये ब्लू वाली, ये लाइन का एरिया मींस ये निकलेगा पूरा, ये ट्राइंगल का एरिया ये निकलेगा. तो ये एरिया निकालने के लिए, इसका मतलब ये मैंने पूरा लाइन का एरिया निकाला. लिमिट तो मुझे पता है 0 to 1 है, एरिया ऑफ लाइन ये आ जाएगी. उसमें से अगर मैं एरिया माइनस कर दूं, कौन सा, ये, इस पूरे एरिया में से अगर मैं ये रेड एरिया माइनस कर दूं तो ग्रीन एरिया मिल जाएगा जो मुझे चाहिए, राइट. तो ये रेड माइनस करने के लिए मैं क्या करूंगी, देखो मुझे ये एरिया चाहिए जो मैं ये डार्क कर दिया, तो मैं क्या माइनस करूंगी, ये एरिया, ये कौन सा है, ये नीचे का एरिया जो आ रहा है, किसका आ रहा है, कर्व का. ये पैराबोला जा रही है ना, देखो ये पैराबोला जा रही है, तो पैराबोला का अगर एरिया निकालना है तो बाउंडेड एरिया तो ये होगा ना, ये जो रेड वाला है. तो उसमें से अगर मैं एरिया ऑफ कर्व माइनस कर दूं तो मेरे पास ये बीच का एरिया आ जाता है. तो अपर माइनस लोअर, ऊपर वाली लाइन में से मैंने माइनस कर दिया कौन सा, ये नीचे का एरिया कर्व का. तो अपर माइनस लोअर, देखो अगर कभी आपके पास ऐसे आ जाए ना, अभी तो है नहीं आपके पास ये सिलेबस में इस बार, ये जैसे ये क्या है, पैराबोला, और ये क्या है, सर्कल. अब तुम्हें ये एरिया निकालना, राइट. तो ये तो अब दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो इजीली निकल जाएगा, राइट. लेकिन अगर हमें एरिया कोई ऐसा निकालना है जिसमें अपर माइनस लोअर आता है, जैसे पैराबोला की कर्व ले लो के देखूं,
ये देखो, मान लो ये आता है, तो अब देखो ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ये है y स्क्वायर इक्वल टू x और ये मान लो है x स्क्वायर इक्वल टू y। तो अब हमें ये एरिया निकालना है, ये, तो क्या करोगे, ऊपर वाली कर्व में से नीचे वाली माइनस कर दोगे, तो इसका मतलब ये कर्व कौन सी है, y इक्वल टू रूट एक्स, उसमें से क्या माइनस करोगे, ये नीचे वाली कर्व कौन सी है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट से लिमिट आ जाएगी। तो इस तरह से हमें एरिया निकालना होता है, चाहे बाउंडेड बाय टू कर्व्स हो, चाहे बाउंडेड बाय लाइन और कर्व हो, चाहे बाउंडेड बाय टू लाइंस हो, कुछ भी हो, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस बाउंडेड रीजन। आदित्य क्लियर? यस मैम। ओके, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लाइन और पैराबोला है। 11th क्वेश्चन, इट्स अगेन लाइन एंड पैराबोला। तो ये एक्सरसाइज आपके पास बिल्कुल सेम है 8.1, जिसमें हमने लाइन और पैराबोला किया। दो इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स हमारे सिलेबस में नहीं है, जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास है 8.2 का, वो आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि अगली एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस बिल्कुल सेम फॉर्म के हैं, सिर्फ आपके पास यही तीन फॉर्म्स आएंगी, अपर माइनस लोअर का एरिया निकालोगे, या एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स होगा तो एरिया दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, या डायरेक्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था। 8.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। थर्ड आपके पास फिर से वही है, पैराबोला और लाइन। फोर्थ और फिफ्थ में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एक क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि उसके बाद आपका ये चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा, आप इसे ट्राई करना, देन टुमारो वी विल डिस्कस इट। 8.2 का फोर्थ क्वेश्चन, बाकी फिर इसके कोई डाउट्स होंगे देन वी विल डिस्कस इट। मैं फोर्थ इसलिए करवा रही हूँ, 8.2 आएगी बेटा, सिर्फ एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स नहीं है, बस फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन नहीं आएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ आएंगे, ठीक है, और 8.1 बिल्कुल पूरी कंप्लीट आएगी। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, अब देखो आपके पास वर्टिसेस गिवन है ट्राइंगल के, ये आपको एरिया निकालना है। अब एरिया का फॉर्मूला आपने किया हुआ है, बट आपको वो फॉर्मूला यूज नहीं करना, इंटीग्रेशन यूज करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए पॉइंट क्या है, -1, 0, ये आ गया। बी पॉइंट क्या है, ये मान लो 1, 3, मींस x1 और y3, और अगला पॉइंट मान लो आपके पास ये x3 और y2, दिस। तो ये ट्राइंगल बनेगी जब आप तीनों को ज्वाइन करोगे, ठीक है। अब हमें एरिया क्या निकालना है इस ट्राइंगल का, ये ग्रीन वाले का, ठीक है। अब ये निकालने के लिए सबसे पहले हर पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस पर, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। अब हमारे पास अगर देखो तो तीन लाइनें यूज हो रही हैं, पहली ये ए बी की, ये लाइन यूज हो रही है, ठीक है, मैं अलग अलग कलर से कर रही हूँ ताकि वो समझ आ जाए। दूसरी ये लाइन यूज हो रही है, ये बी सी की, और तीसरी आपके पास जो लाइन यूज हो रही है वो ये हो रही है ए सी की। ये तीन लाइनें बन रही हैं, राइट। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ध्यान से समझना। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए यहाँ पर है x1 और यहाँ पर है x3। सबसे पहले हम ये एरिया निकालेंगे जिसमें ए बी लाइन आ रही है, तो मैं इनको पॉइंट का नाम दे रही हूँ, ए बी सी, इसे डी, ये ई। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए बी ई, ये एरिया निकाल लेना ए बी ई का, पूरा कंप्लीट एरिया आएगा दिस, प्लस एरिया ऑफ, अब मैं सेकेंड लाइन यूज कर रही हूँ बी सी, तो ये एरिया आएगा उसका बी सी डी ई। अगर ये पूरा एरिया में से अगर मैं ये नीचे का प्लेन माइनस कर दूँ प्लेन एरिया, तो मुझे ये ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, तो माइनस एरिया ऑफ ए सी डी ए। देखो ध्यान से, ये समझ आया इतना, इज दैट क्लियर? यस राइट। तो अब लिमिट्स की बात करते हैं, ए से ई तक लिमिट क्या थी, -1 से 1,
बी सी डी ई में लिमिट क्या थी, 1 से 3, और ए सी डी ए में लिमिट क्या थी, -1 से 3, तो हमें लिमिट मिल गई. लिमिट्स एक्स की हैं, सो यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. यहां यूज हो रहा है ए बी, ये यहां यूज हो रहा है बी सी, और यहां यूज हो रहा है ए सी. तो हमें तीनों लाइंस की इक्वेशंस चाहिए. अब वो निकालने के लिए मैंने आपको अभी पीछे फॉर्मूला बताया था इक्वेशन ऑफ लाइन का, अगर दो पॉइंट्स गिवन हो तो क्या था एरिया. अगर मुझे ए बी की निकालनी है तो ए पॉइंट है -1, 0, बी पॉइंट है 1, 3, तो वाई माइनस वाई वन ये हो गया आपके पास x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो वाई माइनस वाई वन इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 ऑफ x - x1. स्ट्रेट लाइन में क्या है, 3/2 ऑफ x+1. डायरेक्टली y की वैल्यू मिल गई तो हम यहाँ पुट करेंगे, तो -1 to 1, 3/2 ऑफ x+1 dx, ये आ जाएगा प्लस. अब है 1 से 3, बी सी की और निकाल रही हूँ, उसके बाद इंटीग्रेशन सेम है, आप खुद कर लेना. इक्वेशन ऑफ बी सी, बी सी में बी कितना है 1, 3, और सी कितना है 3, 2, तो ये x1 y1 और ये x2 y2. तो फिर से y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 ऑफ x - x1. तो y - 3 इज, ये कितना आ जाएगा, -1/2 ऑफ x - 1. अब यहाँ से y निकालना है आपने, तो -x/2 + 1/2, तो y कितना आ जाएगा, -x/2 + 1/2 + 3, तो दैट इज -x/2 + 7/2. तो यहाँ से y की वैल्यू डाल दी, -x/2 + 7/2 dx. इसी तरह से -1 से 3 में इक्वेशन ऑफ ए सी लिखोगे और सिंपल इंटीग्रेट करके अपर माइनस लोअर लिमिट डालोगे, वी गेट द आंसर. सो दिस इज योर एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो थर्ड एंड लास्ट फॉर्म आपकी रहती थी, दैट इज दिस. फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसमें इक्वेशन ऑफ लाइंस दी हुई हैं, तो आपको टेबल ड्रॉ करके पहले लाइंस ड्रॉ करनी है, फिर उसका इंटरसेक्टिंग. यहाँ हमने क्या किया कि पॉइंट्स दिए हुए थे तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली, वहाँ इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है तो आप दो इक्वेशंस को सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालोगे, ताकि आपको एक्स की वैल्यू से लिमिट मिले, एंड देन यू हैव टू इंटीग्रेट इट टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो ये था आपके पास 8.2 मिसलेनियस में. जो क्वेश्चंस नहीं आने वो मैं बता देती हूँ, जहाँ दो कर्व्स होंगी वो नहीं आएगा, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ इज ऑल्सो देयर, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, इसमें आपके पास ऑलमोस्ट सिर्फ एक आपके पास 15th क्वेश्चन नहीं है इसमें, बाकी सारे क्वेश्चंस आएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए हैं. सिर्फ 15th क्वेश्चन में आपके पास पैराबोला और सर्कल है, वो क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी सारे क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं. अगर कोई डाउट होगा देन टुमारो वी विल डिस्कस, ठीक है, इसे ट्राई कर लो अच्छे से, जो कोई डाउट होगा तो वो इसको डिस्कस करेंगे, देन टुमारो वी विल कंप्लीट योर 9th चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन.